भारत बनाम वेस्टइंडीज 3 मैचेस की T20 सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 1-1 से सीरीज बराबरी पर है, यानी वेस्टइंडीज की टीम ने एक मैच जीता है, टीम इंडिया की टीम ने एक मैच जीता है और ये मुकाबला रोमांचक होने वाला है क्योंकि जिस टीम को सीरीज जीतना है उसे ये मैच जीतना जरूरी है। टीम इंडिया में काफी चेंजेस हुए हैं इस मैच के लिए, ड्यू फैक्टर वर्क करने वाला है इस मैच में। तो अगर आप मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क्स पर देख सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3 पर देख सकते हैं, मोबाइल पर हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और सबसे सही तरीका, सबसे आसान तरीका, आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से सभी लाइव अपडेट्स, कैचेस, सिक्सेस, विकेट, सभी वीडियोस, हाइलाइट्स वीडियोस लगातार मिलने वाली है लाइव मैच के दौरान। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें, जिससे अगर आप मैच नहीं देख पा रहे हैं तो YouTube पर आपको हाइलाइट्स वीडियोस मिल सके। बात की जाए टीम इंडिया में क्या चेंजेस हुए हैं, बैटिंग ऑर्डर में कम चेंजेस हुए हैं। केएल राहुल, रोहित शर्मा यहाँ पर ओपनिंग करने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, इनके बाद शिवम दुबे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर है। स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है। पेसर्स के तौर पर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और वाशिंगटन सुंदर की जगह पर मोहम्मद शमी की एंट्री हो सकती है। तो ये प्लेइंग 11 यहाँ पर होने वाली है। मैच के दौरान सभी लाइव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें, जिससे सभी लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।